हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार, सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक, और उसके बाद मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। इसके बारे में फिर कभी तफसील से बात करेंगे। तो अभी जो है वो जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, जुमे का टाइम हो रहा है, टाइम बहुत कम है, तो मैं आप लोगों से थोड़े टाइम बाद गाड़ी में मिलता हूँ, क्योंकि जुमे के लिए देर हो रही है। सो स्टे ट्यून। यार, आप सबको पता है 2020 के स्टार्ट में कोविड-19 आया था, तो पूरा चाइना लॉकडाउन में था। हमारे सिटी में भी हर चीज़ बंद थी, क्योंकि यहाँ भी कुछ केसेस थे, तो मस्जिद वगैरह हर चीज़ बंद थी। तो आई थिंक अगस्त में, mid-2020 में इन्होंने दोबारा मस्जिद वगैरह ओपन कर दी थी, हम जुमा पढ़ने जाते थे। बट अभी 2021 के स्टार्ट में दोबारा हमारे सिटी में कुछ केसेस आए हैं, तो दोबारा से लॉकडाउन कर दिया था। बट अभी जो है वो केसेस आना बंद हुए हैं, सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो अभी मस्जिद जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मस्जिद खुली है कि बंद। उम्मीद तो है खुल गई होगी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, और अब मस्जिद जाके ही पता चलेगा कि मस्जिद ओपन है कि नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यार, हम लोग मस्जिद पहुंच चुके हैं। मेरी बैक साइड बैठ तो नज़र आ रहा होगा, मस्जिद जो है वो बंद है, और इस साइड पे एक नोटिस लगा है। तो अभी हम लोग किसी बंदे को देखते हैं और उससे बात करते हैं कि वो हमें अंदर जाने दें और हम नमाज़ पढ़ लें। तो अभी किसी को देख के बात करते हैं, तब तक स्टे ट्यून। तो यार, ये जो नोटिस लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मस्जिद 27 दिसंबर 2020 से बंद है, और नहीं पता कितने टाइम तक, कितनी मुद्दत तक बंद रहेगी। अभी हमने एक बंदे से भी बात की है कि हमें अंदर जाने दो ताकि हम नमाज़ पढ़ लें, तो उसने बोला हम सॉरी अलाउ नहीं है। और उसने भी यही बोला है कि कुछ पता नहीं मस्जिद कितने टाइम तक और बंद रहेगी, जब भी ओपन हुई उसका नोटिस यहाँ पे लग जाएगा। तो अभी मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो भी आ रहे थे नमाज़ पढ़ने। हमारा प्लान था कि जुम्मे की नमाज़ इकट्ठे पढ़ेंगे, उसके बाद खाना शाना खाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो अभी मैंने उनको कॉल करके मना कर दिया है, वो अब नहीं आ रहे, तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा। तो अभी चलते हैं। तो यार, मेरे बैक साइड पर आपको ये नज़र आ रही होगी, ये मस्जिद नहीं है बल्कि हमारे सिटी की मुस्लिम स्ट्रीट है, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ऑब्वियो हलाल हैं सारे। तो इस पर इंशाल्लाह ताला तफसीली का भी व्लॉग बनाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। तो यार, मैं व्लॉग में काफ़ी टाइम से हम कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और बंदा भी है, बट वो बंदा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, आप उसे प्राइवेट रहने दें तो अच्छा है। और ये मास्क मेरे पास है, मास्क मैं खुद उतारता हूँ, क्योंकि फिर इस तरह आपसे बात करने में ना मुझे वो फील नहीं आती, मज़ा नहीं आता। तो आप बस टाइम लैप्स एंजॉय करें। तो यार, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और अभी मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, वो भी यहीं कहीं हैं। तो अब जब मैं उनसे मिलूँगा, ये रहे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बनी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, और हावर दल्हा से हेलो। हेलो गाय। तो जी मिस्टर बनी, इतने दिनों बाद आपको मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? यार, एक दिली सुकून मिला है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह। अल्लाह, दिली सुकून मिला है। अच्छा, कोविड-19 कंटिन्यू करें। कोविड-19 की वजह से बाहर आना जाना हमारा बंद था, हाँ, तो ना मिल सकते थे, ना बाहर जा सकते थे। तो आज सच में दिली सुकून मिला है। राव खबर इकबाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हसन भाई को काफ़ी दिनों से कह रहा था कि वो हमारी तरफ आए, हम यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत घूमा फिरेंगे, लेकिन हसन भाई थोड़े से बिजी होते हैं,
तो इसलिए कभी कभी हमें टाइम देते हैं। अल्लाह जी झूठ बोल रहा है सारा, झूठ बोल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से इन्हें बार बार कॉल्स कर रहा हूँ और आज बहुत मुश्किल से ये इधर आया। अल्लाह मुझे भी नहीं पता कैसे आ गए, लेकिन पता नहीं मुझे आज इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, कैमरे के सामने इज्जत मिल रही है। आपका प्यार, ओफ अल्लाह जी, बस मार डाला आपने, मार डाला, ये हमारा प्यार है। मोहम्मद तलहा, आप कैसा फील कर रहे हैं मुझसे मिलके? दिल गार्डन गार्डन हो रही है, तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे शीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, और क्या हो रही है, लबे शीरी सा हो रही है। हाँ वो भी हो रही है। आप इधर देखे नजर, आपकी शक्ल दिखाएं ऑडियंस को, बहुत सारी ऑडियंस आपको पूछती है कि हमें मोहम्मद तलहा को देखना है। हम गरीब लोग, गरीब लोग। आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तुमसे दूर रहें, नहीं तो। गाइस आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना और मुझसे दूर नहीं रहना, क्योंकि मोहब्बत है ना हमारी, तो मोहब्बत है, दो तरफा मोहब्बत। तो यार अभी मैंने एक बहुत मजे की चीज़ देखी, आपको भी दिखाता हूँ, मुझे नीचे फीडबैक कीजिएगा कि ये क्या सीन है। ये बॉय क्या कर रहा है सरेआम, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, और ये देखें राव और इकबाल आप क्या कर रहे हैं। यार मैं इस वक्त देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, मैं भी यही जानने, ये क्या कर रहा है, ये नेचुरल अमल है, ये सब करते हैं, मैं भी यही देखने की कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहा था, बस इसे इसी तरह छोड़ दो जो कर रहा है। ये जी हमारे राव साहब पिक्चर ले रहे हैं, ओह माय गॉड। और ये है आपका भाई, यस। यार अभी हम लोग सी लाइफ एक्वेरियम देखने आए थे, बट कोरोना की वजह से ये भी बंद पड़ा है, सब कुछ बंद है, लगता है आज का प्लान जो है वो फ्लॉप ही जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बंद है कोरोना की वजह से। यार तो सब फॉर द बेस्ट, विश मी गुड लक, यहाँ क्यों सिर्फ सी लाइफ बंद है, ग्रीन लाइफ ग्रीन लाइफ समझ जाए, ग्रीन लाइफ ग्रीन लाइफ, बस आप खबर की बात को समझे, क्योंकि ये बड़ी डीप बातें करता है ना, किंतु आप नहीं समझ रहे, हर कोई खबर की बातें नहीं समझ सकता, क्यों खबर की बात। तो यार अभी हम लोग कल्चरल एकेडमी में आए हैं, तो अभी हमारा जो है वो कल्चरल सेशन स्टार्ट होगा विद मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स दिस? हमने जी छोटे वाले जो माल्टे हैं उनका नया नाम निकाला है कुमक्वाट, माल्टे नॉट लुकाट। सो ये भी कुछ है भाई, इसका नाम है रिच एंड नोबल सन, ये लिखा हुआ है रिच एंड नोबल सन। ये अब मोहम्मद तलहा बयान करेंगे, ये क्या होता है मोहम्मद तलहा, कल्चरल एकेडमी सेशन विद मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा ये क्या होता है? ये ना इससे इससे ना जहर बनता है, जहर। I told you, take my hand. इससे जहर बनता है जी, नई फिलॉसफी। ये है एवर ग्रीन लीव्स, बट इनका कलर जो है वो पिंकिश रेड सा है, तो इसकी साइंस हम पूछेंगे फिलोसोफर मोहम्मद तलहा से। मोहम्मद तलहा आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इनका नाम एवर ग्रीन लीव्स है और हैं ये रेड हैं? साइंस है, जस्ट साइंस। ओह माय गॉड, इतना डीप आंसर, इतना डीप आंसर आपने चेक किया, ये है फिलोसोफर, बस क्या कह सकते हैं। तो यार ये है छोटा खावर, हेलो क्या कर रहे हो? शावाई थोंग शे? तला क्या चल रहा है, भाव नहीं दे रहा यार, देखो शावाई थोंग शे? ये हिल गया है, इसने पी रखी है, ये पागल हो गया है। तला यार इसने तो भाव ही नहीं दिया, भाई को पहचाना नहीं यार, वक्त बदल रहा है, मेरा वक्त आएगा। हाय 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 हाय, हाँ 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 मोहम्मद तला
क्या देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज ड्रामा बट लाइफ विद द डल बिट्स कट आउट, क्या मतलब है इसका, थोड़ा समझाएं ना फिलोसोफर डॉक्टर मोहम्मद तलहा। मुझे इंग्लिश नहीं आती। बट इंग्लिश कम्स टू यू वेरी फास्ट मोहम्मद तलहा, क्यों नहीं आती आपको इंग्लिश? पता नहीं क्या सीन है। ओह माय गॉड, थोड़ा गौर व फिक्र करें। डॉक्टर बनी 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 बॉय, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे यार में? इसका मतलब है कि लाइफ के कुछ डल बिट्स होते हैं जिन्हें कट आउट कर दिया जाता है और वो एक ड्रामे की जनाब ये देखें, वाओ बड़े बड़े फोटोग्राफर आए हुए हैं और बड़े बड़े मॉडल आए हैं। बनी आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा पोज था बनी? तो यार अभी हम लोग आए थे गन फायर शॉट, बट आपको बोला था विश अस गुड लक क्योंकि सीन ख़राब हो गया, ये बोल रहे हैं कल आना है, अभी टाइम ख़त्म हो चुका है। ये देख लें राव खबर इकबाल डील कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि आप लोगों ने कल आना है, अभी सीन बंद है। ये हमारे पास पबजी के प्लेयर हैं बनी। ओ बस बनी एक्साइटेड नहीं होना, बनी एक्साइटेड नहीं होना, ये ना गन्स देख के ना थोड़े एक्साइटेड हो जाता है, तो क्या कह सकते हैं। खबर अभी अभी उससे पूछे लेकिन वो कह रहा है कि अभी तो ये बंद हो चुका है, अगर आप लोगों ने खेलना है तो आप लोग सुबह 8:30 बजे आ सकते। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, चल इंशाल्लाह ताला दोबारा देखेंगे, अब टाइम मिला तो। अगर हसन भाई अपने टाइम देंगे तो हम जरूर आएंगे यार, हमारा टाइम है। तो अब हमारा एक और दोस्त जो मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सका वो अब आ चुका है, वो है बड़ा खिलाड़ी अली सुल्तान। ये हैं हमारे साथ अली सुल्तान। अली सुल्तान से हेलो टू द व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बंदे ने हमें बड़ा जलील करवाया है, पिछले एक घंटे से हम इसे ढूंढ रहे हैं, ये ऊपर नीचे घूमे जा रहा है। मैं आपको ढूंढ रहा हूं यार कसम से, हम पांच बंदे मिलके इसको ढूंढ रहे हैं और ये हमें ढूंढ रहे हैं, क्या कह सकते हैं यार। और सुनाओ शाहजी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। समझो ना बात की नज़ाकत को, आप समझाएं ना मोहम्मद तलहा इस साइड पे आके थोड़ा। नहीं नहीं बस समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है ना, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है बट जो ना समझे उनके लिए। यार हमारे पाकिस्तान में ये वाला हीरा हुआ करता था, ये चाइनीज़ जो हैं वहाँ से उठा के लाए हैं यहाँ पे और यहाँ इसको इन्होंने रख दिया है अपने शॉपिंग मॉल में। तो खबर इकबाल आपने ये पाकिस्तान में देखा था? जी बिल्कुल, टेक्सला म्यूजियम में वाला जो है ना बेसिकली टेक्सला म्यूजियम में होता था, देखा था आपने कभी? ये चूँकि हमारे गांव से दरियाफ्त हुआ था। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी कि आपके गांव से बड़ी अनमोल चीज़ें निकलती हैं, आप कोई देख लें जैसे ये मुझे ही देख। ठीक है, तो ये वहीं से निकला था, वहाँ से फिर जाके उन्होंने टेक्सला रख दिया, टेक्सला रखा। हाँ टेक्सला म्यूजियम, वहाँ से फिर चाइना वालों ने डिमांड की तो पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट के तौर पर ये दे दिया। कितना सीरियस हो गया, झूठ बोल रहे ऐसी कोई कहानी नहीं है, हम अपने से ही कहानियाँ बना रहे हैं, ऐसी कोई कहानी भी नहीं है गाइस, तो यकीन नहीं करना, बस वैसे ही शुगर लगा रहे थे आप लोगों से। तो यार अभी हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका है, तो अभी हम लोग सब वापस घर जा रहे हैं और मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो रही है। इत्तफाक से अभी कुछ अच्छा हुआ तो है नहीं आज हमारे साथ, आपको कहता रह गया कि विश मी गुड लक, विश मी गुड लक, वो तो आपने किया नहीं। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
watching me get it.